ये ना बहुत खराब होते हैं, इनमें पावर होती है पर इनमें बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि होती है देवी देवताओं के पास, दिमाग होता है, पावर इतनी होती है कि इनकी देवी देवताओं से भी ज्यादा पावर होती है, इसीलिए ये इनको अगर हुक्म दो तो ये जल्दी कार्य करते हैं, देवी देवता सोच समझ के कार्य करते हैं। ठीक है, तो भोलेनाथ हमारे बहुत 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 शरीफ है भोलेनाथ, तो उन्होंने जब भस्मासुर को ना दे दिया था ना आशीर्वाद, क्योंकि भगवान हमारे जो देवी देवता है ना, वो भजन संकीर्तन मंत्र जाप से वशीभूत है। अभी हम अपने दो घंटे में महज दो घंटा भजन करना चाहती हूँ, आज हमारा भजन लेट हो गया तो मेरा दो घंटा ही भजन बना नहीं है, ये मुझे बहुत बड़ा लॉस होता है, ये मुझे, मैं जानती हूँ इस चीज को कि मुझे कितना बड़ा लॉस होता है। आप लोग तो ये सोचेंगे कि चले गए लेट, चले गए सुबह, चले गए ये काम हो गया वो काम हो गया, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो ना शिव जी भगवान जी ने दे दिया था भस्मासुर को आशीर्वाद कि तू जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तुरंत भस्म हो जाएगा। तो जब दे दिया तो दे दिया, फिर बाद में ना वो कहने लगा शिव जी भगवान से कि अब क्यों का एक भस्म ही होता है, तू क्या, मैं हूँ, मैं हाथ रखता तेरे ही ऊपर, खत्म हो, पहले तेरे को मारता हूँ, फिर मैं यहाँ कैलाश में इसके साथ पार्वती के साथ बैठूंगा। शिव जी भगवान को गुस्सा आया कि ये तेरी माँ है, तो कैसे शब्द तो कर रहा है और ऐसे कर, माँ कह रही है मैं इसको भस्म कर दूंगी एकदम से, आप मेरे को आदेश दीजिए। भगवान कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना गौरा, मैंने आशीर्वाद दिया है कि तू अमर रहेगा, तू माँ मेरा मेरा फिर मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा, मेरा मतलब कि वो हो जाएगा, फलीभूत नहीं होगा, तो मेरा दुनिया में संसार में इससे कोई वरदान नहीं लेगा, नहीं मानना इसको। तो शंकर भगवान जी दौड़े 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 फिरे, कभी कभी वो वृक्ष बन जाए, कभी वो कुछ बन जाए, छुपे उसे उनको मारने चला हुआ। ठीक है, माँ भगवती से भोलेनाथ की ये हालत देखी नहीं गई, वो कहती है इसको छोड़ूंगी नहीं, मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। ठीक है, वो कहती नहीं नहीं हम इसको मार नहीं सकते, इसको मैंने आशीर्वाद दिया। तो इनके साथ ना गेम खेलनी पड़ती है, आपको देखा क्या मैं कैसे बोलती हूँ, देवी देवता तो क्या करते, कैसे मानते भोलेनाथ के सिर पर हाथ रखता, भोलेनाथ भस्म हो जाने थे, जिसके भी सिर पर हाथ रखता वो भस्म हो जाना था। तो जी फिर विष्णु भगवान के पास गए, और इन राक्षसों की कमजोरी होती है मांस मदिरा और नारी, तीन चीजें इनको मिल जाए ना ये वही चूमने लग जाते, झल्ले ही हो जाते हैं, और तो सुंदर स्त्री इनको दिख रहा है तो पागल हो जाते हैं, ऐसे इसीलिए तंत्र ज्यादा स्त्रियों पर होता है, आदमियों में कम होता है। ठीक है, अत्यधिक सुंदर होएगी तो उसको ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये सच बातें हैं, ये झूठी नहीं है, ये मुझे अभी बोल रही हूँ मैं तो बोलनी पड़ रही है। ठीक है, तो फिर विष्णु भगवान ने बहुत मोहनी रूप, बड़ा सुंदर मोहनी रूप, इतनी सुंदर बनी ना वो, तो वो चलेगी, ये हो गया झल्ला, ये भूले भोलेनाथ को गया, भूले मोहनी को देखने लग गया। ठीक है, तो पागल हो गया उसको देख के, क्यों नारी इनकी कमजोरी है शुरू से। तो फिर उसको कहते शादी हाँ करूंगा तेरे साथ ही करूंगी, वो कह रही है मोहनी कि शादी करूंगी मैं जैसा, पर जैसे मैं नाच रही हूँ ना वैसे नाच, काफी देर तक वो कत्थक करती रही, वो भी कत्थक करता रहा, तांडव करती रही, वो भी तांडव करता रहा, फिर वो ऐसे ऐसे करती रही, ऐसे ऐसे करती रही, काफी देर उसको उलझा के रखा, फिर वो ऐसे ऐसे मटकने लगी, जैसे एक्शन वो कर रहा था ना वैसे एक्शन वो करने लगी, तो इतना भी ना हंसो इतनी इतना लाफिंग चैनल ही चला रही थोड़ा, तो उसने यहाँ आता ऐसे ऐसे करके लगी, कहती जैसे मैं कर रही वैसे कर, तो मोहिनी नाची और मोहिनी ने ऐसे ऐसे एक्शन करे, तो उसने अपने सिर पे रखा और वही भस्म हुआ। तो कहानी कहने की ये है, इसका जो मैं निचोड़ निकाल रही हूँ कि इनको प्यार से मना सकते हैं, अगर मैं देवी हूँ, मैं देवी महज हर टाइम नहीं होती, मुझे कुछ पावर भगवान ने दी होती, अगर मैं इसको कहूंगी माँ का बच्चा नहीं है, माँ का प्यारा लाल नहीं है, मानेगा ना जाएगा ना, हाँ हाँ जाऊंगा, तो ये भी ऐसे प्यार के दुखी होते हैं, ऐसे भी नहीं होता कि ये निष्ठुर होते हैं, मान जाते हैं, तो प्यार में बड़ी ताकत होती है, बड़े बड़े राक्षसों को भी नीले पड़ जाते हैं, तो भगवानों पर भी संकट आते हैं, भगवान ऐसा वरदान दे देते हैं, हम इतने बड़े नहीं है जो हम कहें कि हाँ तो दुनिया का कोई तंत्र ही नहीं चल सकता, या हम बड़े बड़े, तो कहते मैं तो कख भी नहीं हूँ, मैं तो भगवान तेरे चरणों में पड़ी, मेरे को बचा के रखी हुई, इतनी इतनी पावर इतनी ऊर्जा है दुनिया में, चलते चलते को ब्रेन हेमरेज, चलते चलते की किडनी खराब, चलते चलते की बैक पेन, हालत बहुत खराब करी पड़ी है जनता की, लोगों की, हर घर में थपड़ो थपड़ाई लड़ाई और पागल बना रहे हैं। ठीक है, तो इनका निवारण शांति से होता है, प्यार से होता है, धीरे धीरे होता है, तो
तो भगवान और देवी देवताओं के पास बुद्धि है, इस बुद्धि के द्वारा वो फिर काम करते हैं, राक्षस से तुरंत काम कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप ये कहानी भी सुना दी, तो सुननी चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए। ये सत्संग होता है, ये भागवत होता है, ये रामायण होती है, ये शिव पुराण होता है, हमारा सब कुछ इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे। भागवत भी हो गया, रामायण भी हो गई, शिव पुराण भी हो गया और सुंदरकांड भी हो गया। ठीक है, तो बोलिए स्वस्थ देवी देवताओं की जय, तो हमारे दरबार की जय, तो जयकारा श्री वाली माई का। और संडे का भी करेंगे, क्योंकि जितने भी वर्किंग होते हैं वो संडे को आ सकते हैं, छुट्टी होती है, बच्चों को भी छुट्टी होती है और सब भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जगह का ठीक है।